गुड मॉर्निंग किड्स। सो बेटा एचसीएफ फाइंड आउट करना हमें आ गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसके आज हम दो और मेथड्स को जानेंगे कि एक ही क्वेश्चन को हम दो टाइप से और कैसे कर सकते हैं। तो टोटल आपको तीन टाइप से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है, और ये आपको आना चाहिए। ओके, तो पहला था बेटा, क्या किया था आपने एचसीएफ में, जैसे कोई नंबर है तो आप क्या कर रहे हो, उसका फैक्टर कर दे रहे हो, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड हमने की थी सबसे पहले। देन अब हम करेंगे शॉर्ट, यानी कि फैक्टर तो करना है लेकिन किस वे में करना है, शॉर्ट डिवीजन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन इसमें भी करना है तो उसमें हम पहले अलग अलग नंबर्स को कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, पहले अगर उसमें 4, 5, 6 तो 4 का पहले किया, 5 का पहले फिर अलग किया और 6 का अलग किया, ऐसे कर रहे थे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 तीनों का जो है HCF एक साथ फाइंड आउट करेंगे। तो इसको कौन सी मेथड बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड। ओके, और थर्ड हमारी कौन सी होगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैडम ने जब लास्ट क्वेश्चन आपको इसके पहले वाले वीडियो में जब हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी तो मैम ने कहा था ना कि इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इस क्वेश्चन को करेंगे। तो एक बार मैम ने फैक्टराइजेशन मेथड से करके बताया था आपको, अब उसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, ठीक है। तो एक हमें आती है, कौन सी मेथड आती है अभी हमें एचसीएफ की, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आती है। दो मेथड आज हमको सीखनी है जिसमें से एक तो हम जानते हैं क्योंकि अलग अलग कर रहे थे, अब एक साथ करना है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और थर्ड हम कौन सी जानेंगे आज, शॉर्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो लेट्स सी, टेक आउट पेज नंबर 25। हियर एट पेज नंबर 24, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आप अलग अलग नंबर्स को फैक्टर कर रहे थे फिर उसकी पेयरिंग कर रहे थे। ओके, अब इसी को हम क्या करेंगे, एक साथ इन तीनों को क्या करेंगे बेटा, एक साथ सम अप करके करेंगे, ठीक है। फैक्टर तो करना ही है तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट डिवीजन मेथड। कैन यू सी दैट, शॉर्ट डिवीजन मेथड, डिवीजन, शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब 40, 64, 80 इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड। अब जब हम इसको एक साथ डिवाइड कर रहे हैं एक साथ, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट डिवीजन मेथड। ओके, अब इसमें कैसे होता है चलो देखते हैं। ओके, उसमें हम क्या देख रहे थे बेटा, ऑड इवन देख रहे थे। अब यहाँ पर एक साथ कर रहे हैं हम इसको सॉल्व सारे नंबर्स को, तो देख लेते हैं यहाँ पर भी इवन से, तो पहले 2 से ही, सबसे छोटा 2 है तो 2 से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो 2, 2 2 ज़ा 4, 0, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, देन 2 4 ज़ा 8 और 0। ये हम अलग अलग करते थे, अभी हम एक साथ कर रहे थे, तो 2 से इन तीनों नंबर्स में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ अगेन फिर से 2 से जाएगा क्या, हाँ जाएगा, तो फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2 बच्चा 1, 2 6 ज़ा 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और बच्चा 0। ओके, अब फिर से 2 से जाएगा क्या, चेक करो तो ज़रा, चेक करो, यस, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2 और 0, फिर से 2 से जाएगा, हाँ जाएगा क्योंकि 10 है अभी भी यहाँ पे, 2 से डिवाइड तो जाएगा लेकिन क्या 2 से इन तीनों नंबर्स में डिवाइड जाएगा, नहीं तीनों नंबर्स में डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि ये 5 ये तो ऑड हो गया, इन दोनों में जा सकता है लेकिन जाना किस में चाहिए, तीनों नंबर्स में जाना चाहिए, पर अब नहीं जा रहा है। फिर अब बेटा कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, हमारा डिवीज़न जो कि हम ये डिवाइड कर रहे थे अब हम रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर आ ही नहीं रहा है। देन HCF क्या हो जाएगा, HCF में क्या करते हैं हम, पेयरिंग कॉमन ही ढूंढते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे पेयर्स बनाते हैं कॉमन जो तीनों में होना चाहिए, तो यहाँ पर भी जब तीनों को एक साथ हम सॉल्व कर रहे हैं तो अब तो 2 से जाएगा ही नहीं, तो अब हम डिवीज़न हमारा जो है वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो द HCF ऑफ 40, 64 and 80 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बिकॉज HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट किसका होता है, कॉमन फैक्टर्स का होता है, ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, ऑल द गिवन नंबर्स, यानी कि जब तक कॉमन आएगा मतलब इस टेबल से
ये जितने भी नंबर हैं जब तक डिवाइड होते जाएंगे तब तक हम डिवाइड करेंगे, जब नहीं होंगे तो हम स्टॉप हो जाएंगे। तो ये मेथड है बेटा शॉर्ट डिवीजन मेथड, ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड। जब तक कॉमन आ रहा है, कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। जहाँ पर भी कॉमन बंद हो गया, अभी इन दो में तो जा रहा है बट इसमें नहीं जाएगा, तो वहाँ पे आपको स्टॉप करना है। यही आपका इन सब का प्रोडक्ट कर दोगे और यही आपका क्या होगा, HCF होगा। ओके, नाउ थर्ड वन, ये तो सेकंड मेथड हुई, थर्ड क्या है, यहाँ शॉर्ट था, यहाँ आ जाएगा लॉन्ग, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये दोनों नंबर्स को मैडम ने आपको इस तरह इस वे में सॉल्व करके बताया था। अब हम इसको इस डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिवीजन मेथड से। पहले देख लो इसमें, फाइंड द HCF ऑफ 375 एंड 825। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है हमें, जो बड़ा नंबर है उसमें आप छोटे नंबर से डिवाइड करोगे। ओके, द स्मॉलर नंबर इज 375, सो डिवाइड 825 बाय 375। छोटे नंबर से आपको बड़े नंबर में क्या करना है, डिवाइड करना है, पहली बात। उसके बाद डिवाइड कर रहे हो आप, ठीक है, तो 375 कितनी बार में जा रहा है बेटा, टू टाइम्स में जा रहा है, ठीक है, टू टाइम्स में जा रहा है। देन आपने कहाँ लिखा उसे, यहाँ लिखा। ओके, अब 375 रिमेनिंग टर्म यहाँ आ जाएगा 75, और ये जो है जिससे आप नंबर को डिवाइड कर रहे थे वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, फाइव जा में, और तब तक करना है जब तक यहाँ नीचे ज़ीरो नहीं आ जाता, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, हम ये तो हम कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये मेरी रफ नोटबुक है, इसमें दो क्वेश्चन हमारे, सॉरी एक क्वेश्चन है, दो नंबर्स हैं, ओके, 120 और 192। तो बड़ा कौन सा नंबर है बेटा, ऑब्वियसली 192। तो 192 में हम डिवाइड करेंगे किससे, 120 से। लेट्स सी नाउ, अब 120 की टेबल आपको बोलनी है, ठीक है। अब 120 वन ज़ा 120, 120 टू ज़ा, तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है। तो 240 तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें कम ही देखना है, तो कितनी बार में जाएगा, वन ज़ा, ओके। तो क्या लिखना है मुझे, 120, ओके। अब क्या करूँ, अब माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 120 क्या है, डिवाइज़र है, और 192 क्या है बेटा, डिवाइडेंट है। अब ये नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे तो ये जो डिवाइज़र है वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे, माइनस करो, 2, 9 में से 2 गए 7, ओके। देन अगेन अब यहाँ पर क्या आएगा, अभी मैम ने कहा था अब यहाँ पे ये वाला नंबर आ जाएगा, यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे थे ना, जिसकी टेबल यानी कि 120 की टेबल आपने वन टाइम पढ़ी, वन टाइम बोला है ना, तो 120 कहाँ आ जाएगा, अब ये नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ओके। सो 120, अब इसमें 120 से आप किससे डिवाइड करना है मुझे, 72 से, तो 72 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइज़र हो जाएगा, और 120 क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट हो जाएगा, ओके। अब मुझे 72 की टेबल में ऐसा नंबर इतनी बार बोलना है कि 120 या 120 से कम कुछ आ जाए, तो 72 की टेबल 72 वनजा 72, क्योंकि टूजा में तो वो 144 हो जाएगा, 144 वो तो ज़्यादा हो गया, तो वनजा बार में जाएगा तो 72। अब 72 माइनस करो, 10 में से 2 गए 8, देन 11 में से 7 गए 4, 48, ठीक है। अब 48 तो अब यहाँ पर क्या नंबर आएगा, चलो जल्दी से बताओ, अब यहाँ पर क्या नंबर आएगा बेटा, यस, ये जो था, ये जो डिवाइज़र था, अब वो डिवाइडेंट बन जाएगा। बस क्या करना है, यहाँ पे जिसे आप डिवाइड कर रहे हो यहाँ आ जाएगा, और फिर से डिवाइड करना है, फिर यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा और इसे डिवाइड करना है, ओके। अब 72, 42 की टेबल, 42 की टेबल आपको बोलनी है, तो ऐसा बोलना है कि 72 आए या तो फिर 72 से कम आए, तो 48 टूजा तो 96 हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वनजा बार में जाएगा, वनजा, तो कितना आएगा, 48। चलो माइनस करो, 12 में से 8 गए, देन 12, 8, 4, और यहाँ पे बचे कितने बचेंगे बेटा, 6, 6 में से 4 गए 2, 24। देन अब किसको बुलाएंगे हम, अब अगेन फिर से, अभी इस 48 को यहाँ पर भेज दो, 48, ठीक है। यहाँ पर 72 को हमने कहाँ भेजा था, 72 को यहाँ भेजा था,
तो इस तरह से जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है वो एज अ देन 48, अब 24 डिवाइजर और 48 डिवाइडेंड। चलो 24 की टेबल बोलो आप कि 48 आ जाए, तो 24 टू ज़ा 48, तब तक करना है जब तक नीचे यहाँ पे ज़ीरो यानी कि शून्य ना आ जाए। अब यहाँ पर ज़ीरो आ गया तो हमारा HCF क्या होगा, HCF होगा 24 जब आया तो यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो आया ना, 24 से जब आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर ज़ीरो आया। ओके, वैसे ये क्वेश्चन था 825 375, डिवाइड किया आपने 75, देन 75 से की टेबल जब आपने बोली तो लास्ट में आ गया ज़ीरो, तो HCF क्या हुआ आपका 75, क्यों, क्योंकि लास्ट डिवाइज़र क्या था मेरा 75, तो HCF क्या आएगा 75, और यहाँ पे लास्ट डिवाइज़र क्या था आपका इस क्वेश्चन में 24 से जब आपने डिवाइड किया तभी तो ज़ीरो आया, तो हमारा HCF क्या हो गया बेटा 24। ओके, तो प्रैक्टिस करो और विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।